हैप्पी रिपब्लिक डे। बच्चों 20 जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे 2022 आने वाला है और इस खास मौके पर मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट स्पीच लेकर आया हूँ जो आप उसे पढ़कर याद कर अपने क्लास में टीचर को घर में अपने पेरेंट्स को सुना सकते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। जय हिंद, हैप्पी रिपब्लिक डे। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग हर साल 26 जनवरी को हैप्पी रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं और हम लोग इस नेशनल फेस्टिवल को हर साल मनाते हैं। तो हम लोग इस साल भी मनाएंगे 26 जनवरी को। हर एक जगह आपके स्कूल्स, कोचिंग, ऑफिस, सभी जगह इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और भारत में जितने भी लोग रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी रिलीजन के हर लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं और सभी को हम लोग साथ मिलकर मनाते हैं। तो आइए इस शॉर्ट स्पीच को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और उसे कॉपी में नोट करते हैं। जल्दी से आप लोग अपने अपने कॉपी पेंसिल ओपन कर लीजिए और नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। गुड मॉर्निंग, आप लोग को बोलना है गुड मॉर्निंग टू द रिस्पेक्ट चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। मीन्स कि आप अपने स्कूल में सुना रहे हैं तो वहाँ पे आपके स्कूल में चीफ गेस्ट भी आए होंगे, प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स, सभी को आपको ये विश कर देना है। ये बातें सभी को बोलनी है। सेकेंड में आपको अपना नाम जरूर बताना है। माई नेम इज, वहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आप अपना नाम लिखेंगे, आपका जो नाम है। एंड टूडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू डिलीवर अ स्पीच ऑन रिपब्लिक डे। वी ऑल नो दैट टूडे वी हैव गेदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द 73rd रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। रिपब्लिक डे इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट डे फॉर ऑल इंडियंस। ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स एंड आवर कंट्री बिकेम अ सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त को भी हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था 1950 में, तो उस दिन से हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये हमारा इस साल 73rd मीन्स कि हमारे देश में नियम कानून, अपना नियम कानून रूल्स बने हुए 73rd मतलब 73 साल हो चुके हैं और हम लोग हर साल मनाते आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या हेल्प करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन अस द स्ट्रेंथ टू फाइट फॉर आवर राइट। हमारा जो अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको हमारा अधिकार दिलाता है अपने अधिकार के लिए लड़ना, ठीक है। इट इज आवर ड्यूटी टू अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन द पास्ट 72 ईयर्स आवर कंट्री हैज गॉन थ्रू मेनी चेंज। 72 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं हमारे देश में, बट आवर कंट्री इज ऑल्सो फेसिंग सम प्रॉब्लम। कुछ हमारे कंट्री अभी भी प्रॉब्लम है, लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, ETC।
टू ओवरकम सच प्रॉब्लम्स वी ऑल नीड टू यूनाइट एंड फाइट, हम लोग सभी को इस प्रॉब्लम के लिए एक होकर के लड़ना चाहिए। लेट अस ऑल टेक अ प्लेज टूडे टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम एंड मेक आवर कंट्री द बेस्ट कंट्री, हम लोग सभी को एक होकर के इस वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हम लोग को एक अच्छा, बहुत ही बेस्ट कंट्री बनाना है, जिसके लिए हम लोग को एक होकर के पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए फाइट करना है। बच्चों, ये था आपका शॉर्ट एसे, शॉर्ट स्पीच, आप लोग को हम ऐसे भी देंगे, ये स्पीच था रिपब्लिक डे पर। और इसमें कुछ लाइन्स जो है कंपलसरी है, ये सभी को बोलना है, ये फर्स्ट और सेकेंड पेज पर जो लाइन्स है, बाकी इसको और बाकी को आप अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, अपने तरफ से भी बोल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और हमारा ये नंबर आप देख रहे होंगे 9097002828, और इस पर नोट करके आप हमें इसको सेंड कीजिए, ताकि हम देखें कि आपकी राइटिंग कैसी है और आप कैसा लिखते हैं। ओके, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।